तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडे वाली मैगी रेसिपी। इस रेसिपी को हमने थोड़ा यूनिक तरीके से बनाने की कोशिश की है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह रेसिपी बनाने के लिए हमने 4 पैकेट मैगी, 2 अंडे, 1 प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर, प्याज मिर्च लहसुन अदरक और टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से काट लिया है। तो सबसे पहले हम मैगी को पानी में उबालेंगे। तो हमने एक पतीला लिया है, इसमें पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैगी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसका सारा पानी निकाल कर छान लेंगे। अब हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, अब इसमें 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद अब इसमें कटा हुआ मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज डालकर थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। हल्का लाइट ब्राउन हो जाने के बाद अब इसमें टमाटर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे भी 1 मिनट के लिए पकने देंगे। प्याज टमाटर पकने के बाद अब इसमें 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और फिर इन मसाले को अच्छे से मिलाकर पकाएंगे। यहाँ पर हमने सभी सूखा मसाला डाला है, इसलिए हल्का सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। हमने 4 पैकेट मैगी ली थी तो हम इसमें 2 अंडे डाल रहे हैं। अंडे डालने के बाद अब इसका भुर्जी बनाना है, तो पलटे से चलाते हुए इसे पका लेंगे। अंडे का भुर्जी बनाने के बाद अगर आप अंडे वाली मैगी रेसिपी ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। अगर नहीं सूखा बनाना है तो यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए। हम तो यहाँ पर सूखा बनाने वाले हैं तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए अब इसमें हम उबला हुआ मैगी डाल देते हैं और साथ ही मैगी मसाला भी। अब हम इसे पलटे से चलाते हुए अंडे और भुर्जी को अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, हमारा अंडे वाली मैगी रेसिपी बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को 2 तरीके से बना सकते हैं, एक ग्रेवी वाला, एक सूखा वाला। हमने सूखा वाला बनाकर आपको दिखाया है, आप ग्रेवी वाला भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मैगी अंडा का ग्रेवी रेसिपी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।